सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज विद्यालय की ओर से कक्षा दसवीं के सभी विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का प्रकरण अलंकार करवाने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और इससे संबंधित अपनी कॉपी प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। इस काव्य पंक्ति में जितने भी शब्द आए हैं, प्रत्येक शब्द में व्यंजन मय के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है और इसी कारण यहाँ पर क्या है, काव्य की शोभा क्या है, बढ़ रही है, जिसके कारण ये अलंकार हैं जो काव्य की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभ्यालंकार। अब बात करते हैं शब्दालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो इस काव्य पंक्ति में जो घटा शब्द आया है वो दो बार आया है, घटा घटा, जिसमें पहले घटा शब्द का अर्थ बदली और दूसरे घटा शब्द का अर्थ क्या है, कम होना है। तो शब्दों के कारण जो घटा शब्द की यहाँ आवृत्ति हुई है, इसके कारण ही काव्य की क्या है, शोभा बढ़ी है या फिर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण यहाँ शब्दालंकार हो गया है। अब नंबर दो क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? वैसे तो अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है, इस पूरे शब्द के अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है कि अर्थालंकार की काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण है, जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहाँ जो कलियां शब्द आया है, इस पूरी काव्य पंक्ति के अंदर जो अंत में कलियां शब्द आया है, इस कलियां शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और वैसे भी इस अलंकार के नाम से प्रतीत तो हो रहा है अर्थालंकार की काव्य में जहाँ जिस शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो यहाँ पर भी क्या, कलियां शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, जिसके कारण यह अर्थालंकार हो जाता है। फिर भी देख लीजिए, देखिए यहाँ इस काव्य पंक्ति में कलियां शब्द के अनेक अर्थ हैं, जो कि पहला है फूल की खिलने से पहले की अवस्था और दूसरा अर्थ है इसका औरत की यौवन से पहले की अवस्था अर्थात किशोरा अवस्था, जिसके कारण हमारा ये क्या स्पष्ट हो गया कि इस काव्य पंक्ति में क्या है, अर्थालंकार है। और नंबर तीन उभ्या अलंकार। काव्य में जहाँ शब्दों एवं अर्थों अर्थात दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे उभ्या अलंकार कहते हैं, उसे उभ्यालंकार कहते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए यहाँ भी क्या है, इस जो पूरा शब्द है ये उभ्यालंकार, यहाँ से भी प्रतीत हो रहा है कि उभय का मतलब होता है दोनों, अलंकार कि दोनों का मतलब क्या हुआ, शब्द और अर्थ जहाँ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उभ्यालंकार होता है। फिर इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पूरे काव्य के अंदर, पूरी काव्य पंक्ति के अंदर जो पानी शब्द है वो तीन बार आया है, पानी पानी पानी।
जिसमें से पहले दोनों शब्द पानी का सामान्य अर्थ निकलता है, लेकिन जो तीसरा पानी है इस पानी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। और यहाँ जैसे कि मोती मानुष चुन, इन तीनों शब्दों के लिए इस पानी ने प्रत्येक बार हर बार प्रत्येक शब्द के लिए अलग अर्थ दिया है। जैसे कि मोती के संदर्भ में इस पानी ने क्या है, चमक अर्थ दिया है कि जो मोती की जो चमक है वो पानी से ही होती है। और मानुष अर्थात मनुष्य के संदर्भ में इस पानी ने क्या है, आदर या इज्जत अर्थ दिया है कि मनुष्य की जो इज्जत है वो भी पानी से होती है। और नंबर तीन क्या है, चून, कि चूने की वृद्धि है जो वो भी क्या है, पानी से होती है। इसलिए चून के संदर्भ में इस पानी शब्द ने क्या है, वृद्धि अर्थ दिया है। तो इसलिए यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में शब्दों और अर्थों दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होने के कारण पूरी इस काव्य पंक्ति में क्या हो गया, उभय अलंकार हो गया। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस तरह से हमारे जो तीन प्रकार हैं अलंकारों के, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, वो हो गए हैं। और अब हम पहला अलंकार शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, देख लीजिए। काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, तो इस पूरी काव्य पंक्ति में चार शब्द आए हैं, पहला रघुपति, दूसरा राघव, तीसरा राजा और चौथा राम। और प्रत्येक शब्द के आरंभ में व्यंजन रे आया हुआ है और इसी व्यंजन की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थीगण, अनुप्रास अलंकार में केवल व्यंजन की ही आवृत्ति होगी, स्वर की नहीं। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए। इस काव्य पंक्ति में भी जितने शब्दों में तय व्यंजन की आवृत्ति हुई है उसी व्यंजन की आवृत्ति के कारण इस काव्य पंक्ति में भी क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है, जिसके कारण इस काव्य पंक्ति की क्या है, वृद्धि अर्थात शोभा बढ़ती है। नंबर तीन क्या है, उदाहरण नंबर तीन है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस काव्य पंक्ति में भी क्या है, मैं और से से से, मैं और से के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो इस काव्य पंक्ति में भी मैं और से क्या है, व्यंजन ही है, जिनके कारण क्या है, इस काव्य पंक्ति की क्या है, शोभा बढ़ गई है। और व्यंजनों के कारण जहाँ क्या है, शोभा बढ़ती है, वहाँ पर क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब चलते हैं अगले अलंकार यमक पर। यमक अलंकार क्या है, काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस काव्य पंक्ति में देखिए विद्यार्थीगण कि जो हमारा पहला शब्द घटा है उसका अर्थ क्या है, बदली है, और दूसरा जो शब्द घटा है उसका अर्थ है कम होना। तो वैसे भी क्या है, नाम से ही प्रतीत होता है कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए, और घटा जो शब्द है बार बार आया और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या है, अलग निकले, वो भी निकल गया है। पहला अर्थ इसने क्या है, बदली दिया, और दूसरा इसने क्या अर्थ दिया, कम होना। शब्द एक ही है घटा और घटा, लेकिन इसकी आवृत्ति हुई है और आवृत्ति के प्रत्येक बार इसने भिन्न अर्थ दे दिया है, अलग अर्थ दे दिया है, जिसके कारण इसने क्या है, अपना जो यमक अलंकार है उसमें क्या है, काव्य में वृद्धि कर दिया है, उसकी काव्य की शोभा है जो बढ़ा दी है। नंबर दो उदाहरण देख लीजिए, कनक कनक ते सो गुनी माधकता अधिकाए वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। तो इस काव्य पंक्ति में भी प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, कनक जो शब्द है वो दो बार आया है, कनक कनक दो बार यहाँ प्रयुक्त हुआ है, शब्द एक ही है कनक कनक,
समान शब्द है, लेकिन दोनों ही बार इसके भी यहाँ भिन्न अर्थ निकलते हैं। पहला जो कनक है उसका अर्थ है धतूरा या फिर गेहूँ जो कि खाद्य है, और दूसरा जो कनक है वो है सोना अर्थात ज्वेलरी वाला सोना जिसे गहना आभूषण इत्यादि बनते हैं। तो कहते हैं इस पहले हिंदी देख लीजिए इसकी पूरे काव्य पंक्ति की कि कनक कनकते सो गुनी माधकता अधिकाए वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। तो इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि जो एक कनक है अर्थात धतूरा या गेहूं वाला जो कनक है, कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए कि जो कनक है, ये जो कनक है अर्थात जो सोने वाला कनक है, ये इस कनक से अर्थात क्या है गेहूं या धतूरे वाले कनक से 100 गुना ज्यादा मादकता दिखलाता है। मादकता नशा पागलपन अधिकाए झलकाता है। वह खाए बोराए नर कि आदमी इसको तो खाने से बोराता है अर्थात गेहूं और धतूरे वाला जो कनक है उसको तो आदमी क्या है खाने से बोराता है पागल होता है, परंतु क्या है जो सोने वाला कनक है सोना है जो उसको आदमी यह पाए बोराए पाने मात्र से बोरा जाता है। तो कहने का मतलब है तो इस कनक शब्द ने यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं जिसके कारण इस काव्य पंक्ति में क्या है हमारा यमक अलंकार हो गया है। इस काव्य पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया और दोनों ही बार इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, धतूरा गेहूं और नंबर 2 पर क्या है सोना। तो इस तरह से आज हमारे ये 2 अलंकार हो गए प्रिय विद्यार्थीगण, पहला अनुप्रास और दूसरा है हमारा यमक। तो इसी तरह से हम कल फिर अलंकार का ही अध्याय करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा समझ आया होगा अच्छी तरह से, और इसको आप सभी क्या है लगातार निरंतर कंटिन्यू अपनी कॉपी में लिखते जाएं और याद करते जाएं। तो धन्यवाद।